गाइस वेलकम टू एग्जाम न्यूज़, वेलकम टू मेरे प्यारे क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स। देखो अभी क्या है ना, यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और पासिंग परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली जो गया है ना, वो 82-85% के बीच में गया है 10th और 12th दोनों का। लेकिन यहाँ पर उस रिजल्ट से ना जो सीबीएसई के बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गए हैं, क्योंकि मेरे यूट्यूब के वीडियोस के कमेंट और जो हमारे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक है वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप भी चाहो तो मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। तो वहाँ पर जो बच्चे हैं ना वो इतना ज़्यादा परेशान है कि लगातार पूरी रात मेरे पास डीएम्स आए हैं कि सर एग्जैक्टली ऐसा ना हो कि इस बार सीबीएसई का भी परसेंटेज डाउन चला जाए। तो देखो पहले बात तो मैं हमेशा बता दूं, ये हर साल का रिकॉर्ड है कि सीबीएसई का परसेंटेज यूपी बोर्ड से हमेशा ज्यादा रहता है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड जो है वो एक इंडिया का पूरा बोर्ड है और यूपी बोर्ड एक स्टेट का बोर्ड है, तो कहीं ना कहीं सीबीएसई हमेशा चाहती है, क्योंकि देखो कंपटीशन हर जगह है, इस चीज को समझना बिल्कुल ध्यान से, हर जगह कंपटीशन है। अगर तुम अपने दोस्त से ज्यादा अच्छे नंबर लाते हो तो तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हारा दोस्त तुमसे ज्यादा अच्छा नंबर लाता है तो उतना अच्छा नहीं लगता। वैसे ही सीबीएसई आईसीएसई जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं ये सब के सब चाहते हैं कि उनके ही स्टूडेंट्स हमेशा हर जगह टॉप पर रहें। तो तुम्हें पता है हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी फेमस यूनिवर्सिटी है, लाइक डीयू हो गई, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, इसमें या तो तुम सीट का एग्जाम देते हो, ठीक है, या तो फिर सिंपल मार्किंग के बेसिस पे यानी परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन हो जाते हैं। तो सीयूईटी का एग्जाम तो देखो अलग है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है वहां पर देखो तो पासिंग परसेंटेज के हिसाब से, मतलब परसेंटेज के हिसाब से तुम्हारा एडमिशन होता है। तो अगर सीबीएसई बोर्ड ने अपने परसेंटेज कम दे दी और यूपी बोर्ड की परसेंटेज ज्यादा है या आईसीएसई बोर्ड की परसेंटेज ज्यादा है, तो उस केस में ज्यादातर बच्चे जो यूनिवर्सिटी में जाएंगे डीयू में वो कहां के बच्चे जाएंगे, आईसीएसई और यूपी बोर्ड के जाएंगे, सीबीएसई के तो गए ही नहीं। तो इसी सिनेरियो में ये है ओरिजिनल कॉम्पिटिशन हमारे बोर्ड्स का। तो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे कोई स्टेट बोर्ड हो, राजस्थान बिहार यूपी कोई भी बोर्ड हो, वो हर बोर्ड चाहता है कि उसके बच्चे ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े और ज्यादा से ज्यादा अच्छी जगह हर जगह मतलब वही दिखाई दे, ताकि एक बोर्ड का नाम होता है उससे। तो यही सिनेरियो है कि सीबीएसई का परसेंटेज जो है हमेशा यूपी बोर्ड से आपको ज्यादा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मतलब मान के चलो कि इस बार जो सीबीएसई का पासिंग परसेंटेज आएगा ना वो कहीं ना कहीं 92-95% के बीच में ही रहेगा, देख लेना ध्यान से। ये मतलब मैं हर साल प्रेडिक्ट करता हूँ, पिछले 2-3 साल से प्रेडिक्शन दे रहा हूँ अपनी कि परसेंटेज कितना आएगा, और ऑब्वियसली इतना ही परसेंटेज आता है। तो इस बार का पासिंग परसेंटेज भी 92-95 के बीच में आएगा, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, पेशेंस रखो, तुम्हारा रिजल्ट भी 10 मई के आसपास कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। तो बिल्कुल इस चीज को लेकर मत घबराओ कि रिजल्ट कैसा आएगा, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, बहुत लिबरल कॉपी चेकिंग हुई है, और बिल्कुल मतलब समझ लो कि ऐसा है कि बच्चों को मार्क्स दिए जा रहे हैं। मतलब ये मत सोचना कि तुम्हारा आंसर 3 मार्क्स का है तो वहां पर काट के तुम्हें 2 मार्क्स मिलेंगे, नहीं, वहां पर तुम्हें 3 मार्क्स दिए जा रहे हैं अगर तुमने प्रॉपर आंसर लिखा है तो। तो ऐसा बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि मार्क्स कट रहे हैं, मार्क्स पूरी अच्छी तरीके से मिल रहे हैं, बहुत अच्छे मिल रहे हैं, कॉपी बहुत लिबरल चेकिंग हो रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा पासिंग परसेंटेज हो पाए। तो आई होप आज के इस न्यूज़ से तुम्हें थोड़ी तो सेटिस्फैक्शन मिली होगी, थोड़ा तो रिलैक्स मिला होगा कि यार कहीं ना कहीं यूपी बोर्ड की तरह हमारा रिजल्ट ना आ जाए, 80% का पासिंग परसेंटेज ना आ जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी घबराओ मत, सबको सही होने वाला है। हाँ, मीनवाइल अगर तुम्हें फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो तुम डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहां से जाकर मुझे मैसेज कर देना, फॉलो करना और डीएम कर लेना। मीनवाइल हमारे कोर्सेज ऑलरेडी लाइव है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, क्लास 9, 10, 11 और 12 के लिए सीबीएसई आईसीएसई और आईएससी दोनों ही बोर्ड्स के लिए। तो मेक श्योर लिंक पे जाओ, ऐप डाउनलोड करो और हमारे कोर्सेज को अभी अवेल कर लो, क्योंकि इससे ज्यादा कम प्राइस आपको आगे देखने को नहीं मिलेगा, डे बाय डे प्राइजेस बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमारी लाइव क्लास में भी हम सिर्फ 20 स्टूडेंट्स को ही लेते हैं। तो मैं सूर्यप्रकाश मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में सीबीएसई की लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट के लिए, तब तक के लिए गुड लक।